नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 13 सितंबर 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। रेलवे ग्रुप डी की सारी तैयारी मैं आपकी अनअकैडमी पर करवा रहा हूँ, कई कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन से आपका कि देश के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, जिसे हाल ही में पहले से अधिक क्षमता के साथ 9 वर्ष बाद फिर से शुरू किया गया। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, अप्सरा। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा, जिसे हाल ही में पहले से अधिक क्षमता के साथ 9 वर्ष बाद फिर से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के मतपत्रों में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हटाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है नोटा। राज्यसभा के लिए तो पहले ही हो गई थी घोषणा, लेकिन विधान परिषद के साथ भी अब हो गया है कि नोटा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और चुनाव आयुक्त जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो है आपके ओपी रावत, जो कि एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। और जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपके हो गए ओपी रावत, और जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं आपके दो व्यक्ति, एक हैं आपके सुनील अरोड़ा, दूसरे हैं आपके अशोक लवासा। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में 3 आधारभूत परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दोस्तों उस देश का नाम है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विभिन्न सरकारी योजनाओं को राज्य में लागू करने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के किस राज्य ने सबसे सबसे या किस राज्य ने वर्ष 2018 के सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो है आपके योगी आदित्यनाथ, और इनका जो आपका मूल नाम यानी कि ओरिजिनल नेम है वो है आपका अजय सिंह बिष्ट, और यहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं वो हैं आपके राम नाइक जी। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इसरो के किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से भारत के पहले व्यावसायिक उपग्रह को छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो आपका PSLV C-42। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका PSLV का फुल फॉर्म होता है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और प्रेजेंट टाइम में जो आपके इसरो के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके KSIVAN। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों को प्रतिदिन 2 लाख रुपये तक के करेंट अकाउंट में जमा करने की सुविधा प्रदान की। तो दोस्तों उस बैंक का नाम है SBI बैंक। जी हाँ दोस्तों, SBI बैंक ने अपने ग्राहकों को प्रतिदिन 2 लाख रुपये तक के अपने करेंट अकाउंट में जमा करने की सुविधा प्रदान की। नेक्स्ट है आपका कि पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी कुलसुम नवाज का 11 सितंबर 2018 को निधन हो गया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं नवाज शरीफ की पत्नी थी कुलसुम नवाज, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। नेक्स्ट है आपका कि भारत और किस देश ने मिशन गगनयान में सहयोग के लिए सहयोग पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है फ्रांस। भारत और फ्रांस देश ने मिशन गगनयान में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस देश के पहले बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है नेपाल। नेपाल देश ने पहले बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया। और नेपाल के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके विद्या देवी भंडारी, और यहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके KP शर्मा ओली। नेक्स्ट है आपका कि किस देश ने 10 सितंबर 2018 को अपनी राजधानी में फिलिस्तीन मिशन को बंद करने की घोषणा की। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 10 सितंबर 2018 को अपनी राजधानी में फिलिस्तीन मिशन को बंद करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2018 उत्तराखंड के चौपटिया में 16 सितंबर से 19 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है
अमेरिका, भारत और अमेरिका देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2018 उत्तराखंड के चौपटिया में 16 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से आपका, किस राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2018 को बिजली की दरों में बढ़ोतरी या बड़ी कटौती करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उस राज्य सरकार का नाम है हरियाणा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो आपके पहले राज्यपाल थे कप्तान सिंह सोलंकी, अब कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के जो आपके राज्यपाल हैं वे आपके नारायण आर, कौन? सत्यदेव नारायण आर आपके हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों आज अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा आपको। तो ये रहा दोस्तों आपका आज का क्वेश्चंस, कि चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के मतपत्रों में किस विकल्प को हटाने की घोषणा की गई? बीप की आवाज, नोटा, लाल बत्ती या चुनाव चिन्ह? तो दोस्तों सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड तरीके से बताएगा तो उसका नाम कल की वीडियो में, या उसको कल की वीडियो में क्रेडिट मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।